हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए भूत प्रेतों की बहुत ही डरावनी और सच्ची कहानियां लेकर आया हूं, जिन्हें सुनकर आपको यकीनन बहुत मजा आएगा। तो कहानियों को पूरा एंड तक जरूर सुनिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। मेरा नाम यशवर्धन प्रजापति है। मैं त्रिपुरा के सिपाहीजाया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ये बात करीब 3 साल पहले की है। मेरा घर खेतों के बीच में है तो रात के वक्त वहां हर तरफ सन्नाटा ही रहता है। एक रात मैं अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था, फिर सोते हुए रात के करीब 3 बजे के आसपास अचानक मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि एक काला साया मेरे बेहद ही पास खड़ा था। वो देखकर मैं बहुत डर गया और जल्दी से घर के अंदर चला गया। फिर उस रात डर के मारे मुझे नींद नहीं आई, लेकिन फिर वो साया मुझे हर रात दिखाई देने लगा, लेकिन वो मेरे पास नहीं आता था, बस दूर से खड़ा मुझे घूरता रहता था। उसके खौफ की वजह से मैंने घर के बाहर सोना भी बंद कर दिया था। उस टाइम वहां पर बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं थी तो बेहद गर्मी में मैं उस साये के डर की वजह से कमरे के अंदर सोता था। लेकिन कमरे में जब भी मेरी नजर खिड़की से बाहर जाती तो बाहर मुझे वही साया खड़ा दिखाई देता, जिस वजह से मुझे रात में ठीक से नींद भी नहीं आती थी और धीरे धीरे मेरी हालत खराब होने लगी थी। फिर एक रात मैं खेतों के बीच से होता हुआ मेरे घर जा रहा था, तभी अचानक एक औरत वहां पर आ गई और मेरे साथ साथ चलने लगी। दिखने में वो औरत बेहद ही खूबसूरत थी। मैं उससे कुछ पूछता तभी वो बोलेगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो सुन के मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो, मैंने तो तुम्हें आज पहली बार देखा है। तो वो औरत बोली कि मैं अच्छी हूं, हर रात जिस साये को तुम अपने आसपास देखते हो वो मैं ही हूं। वो सुनके मैं बहुत डर गया और जल्दी से वहां से भागकर मेरे घर के अंदर चला गया। लेकिन जब मैं कमरे में पहुंचा तो वो औरत मेरे बेड पर बैठी हुई थी और फिर वो यच्छड़ी मेरे करीब आ गई और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। फिर पता नहीं उसने मेरे साथ क्या किया, फिर आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था, मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और मुझे मेरा शरीर बहुत ही कमजोर लग रहा था। साथ ही मेरी गर्दन पर तेज दर्द हो रहा था तो मैं उठकर शीशे के सामने गया तो देखा कि मेरी गर्दन पर काटने का निशान था। दरअसल मेरी गर्दन पर 2 छोटे छेद थे, जैसे कि सांप के काटने पर बनते हैं। पूरे दिन मैं डरा सहमा घर के एक कोने पर पड़ा रहा, लेकिन रात होते ही वापस वो यच्छड़ी मेरे सामने आ गए और मुझे अपने साथ बेड पर ले गई। अगले दिन जब मैं उठा तो मैं पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका था और अब ठीक वैसा ही काटने का निशान मेरे हाथ पर बना हुआ था। अब वो यच्छड़ी हर रात मेरे सामने आ जाती और मेरे साथ सेक्स करके मेरा खून पीती और गायब हो जाती। धीरे धीरे मैं पूरी तरह से दुबला पतला और कमजोर पड़ चुका था। मैंने घर से बाहर जाना भी छोड़ दिया था। लेकिन फिर एक दिन मेरे अंकल मुझसे मिलने मेरे घर पर आए और जब उन्होंने मेरी ऐसी हालत देखी तो वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर उन्होंने मुझे सब कुछ सच बताने को कहा तो मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर अंकल भी सकते में आ गए। फिर उन्होंने कहा कि तू पागल है, तुझे पहले ही दिन ये सारी बात मुझे फोन करके बता देनी चाहिए थी, लेकिन तू परेशान मत हो, मैं तुझे उस यच्छड़ी से छुटकारा दिलाने में तेरी पूरी मदद करूंगा। फिर इतना कहकर अंकल घर से चले गए और फिर करीब 2 घंटे बाद अंकल एक मौलवी को घर पर लेकर आए तो मौलवी ने मुझे अपने पास बुलाकर बिठा लिया और फिर कुछ मंत्र पढ़कर उसने मेरे ऊपर फूंक मारी और फिर अंकल से कुछ सामान लाने को कहा। अंकल वो सामान लेकर आए तो मौलवी ने झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया और फिर कई घंटों तक उसने मेरे घर पर झाड़ फूंक किया और फिर एक बोतल में पानी भरकर उसमें उसने आयतें डाली और हर दिन रात होने से पहले मुझे वो पानी पीने के लिए कहा। फिर मौलवी ने
मेरे गले में एक ताबीज पहनाया और कहा कि इसे कभी मत उतारना। फिर मैंने उस मौलवी से कहा, बाबा अब वो छड़ी मेरे पास नहीं आएगी ना? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, अब वो तुम्हारे घर के पास भी नहीं आएगी। फिर उस मौलवी ने बताया कि यह छड़ी को जो भी इंसान पसंद आ जाता है वो हर रात उसके साथ संभोग करके उसका खून पीती है और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक वो यह छड़ी उस इंसान के शरीर का सारा खून चूस नहीं लेती है। और फिर उस इंसान की मौत होते ही वो यह छड़ी अपने दूसरे शिकार की तलाश में लग जाती है। मौलवी ने बताया कि यह छड़ियां काम वासना से भरपूर होती हैं और इन्हें इंसानी खून बहुत पसंद होता है। ये हमेशा किसी तगड़े और जवान मर्द की तलाश करती हैं ताकि उस इंसान के जरिए ये अपनी दोनों इच्छाओं को पूरी कर सकें। मौलवी की बातें सुनकर मेरे और अंकल के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अंकल ने कहा, हम लोग जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। फिर मौलवी को लेकर अंकल घर से चले गए और फिर रात होने के बाद भी वो यह छड़ी मेरे सामने नहीं आई और उस दिन बहुत दिनों के बाद मुझे ठीक से नींद आई। मगर उस रात सपने में मुझे वो यह छड़ी दिखाई दी। वो बेहद ही भयानक रूप में थी। उसकी आंखें सफेद थी और चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। वो गुस्से से गुर्राते हुए मुझे वो ताबीज मेरी गर्दन से निकालकर फेंक देने को बोल रही थी। लेकिन तभी मेरी आंख खुल गई। फिर कभी भी वैसा सपना मुझे नहीं आया और ना ही इन 3 सालों में फिर कभी दोबारा मेरा उस यछड़ी से सामना हुआ। और भगवान करे कि कभी भी मेरा उस यछड़ी से सामना ना हो। तो दोस्तों, ये थी यशवर्धन प्रजापति जी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम प्रतीक गायकवाड़ है। मैं असम के हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं आपको मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना से रूबरू करवाना चाहता हूँ। दरअसल ये बात करीब 7-8 साल पहले की है। उस दिन मैं अपने घर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक देवहिल नाम की जगह पर कुछ जरूरी काम से गया हुआ था। वहां से लौटने में मुझे रात काफी हो गई थी। उस वक्त रास्ता बिल्कुल साफ था। मैं बाइक को तेजी से चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर जब मैं तकरीबन आधा रास्ता पार कर चुका था तो मुझे रास्ते पर एक आदमी दिखाई दिया जो हाथ का इशारा देकर मुझे रुकने को बोल रहा था। मुझे लगा कि शायद उसे लिफ्ट चाहिए होगी, तो मैं बाइक उसके सामने रोकने ही वाला था। मगर तभी मेरी नजर उस आदमी के पैरों पर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा उस आदमी के पैर ही नहीं थे, उसका आधा कटा हुआ धड़ हवा में ही टंगा हुआ था। वो देख के मैं बहुत डर गया और बाइक रोके बिना तेजी से आगे निकल गया। मगर आगे जाते ही जैसे ही मैंने बाइक के साइड मिरर में देखा तो वो प्रेत अपने आधे कटे हुए धड़ के साथ हवा में तैरता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। मैं बहुत डर गया और अपने इष्ट देवता का नाम लेने लगा। फिर कुछ दूर जाकर जब मैंने दोबारा पीछे देखा तो अब वो प्रेत मेरे पीछे नहीं था। तब जाकर मैंने चैन की सांस ली और सीधा अपने घर पहुंचा। बाद में मुझे पता चला कि उस रास्ते पर जहां पर मुझे वो प्रेत दिखाई दिया था, ठीक उसी जगह पर बहुत साल पहले एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उस आदमी का शरीर बीच से पूरा अलग हो गया था। तभी से उस आदमी का प्रेत अपने आधे शरीर के साथ वहां पर भटकता रहता है और रात में आने जाने वाले लोगों का पीछा करके उन्हें मार डालता है और उनके शरीर को अपनी ही तरह बीच से काट कर अलग कर देता है। जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे विश्वास हो गया कि उस रात मेरी जान मेरे इष्ट देवता ने ही बचाई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम सार्थक रस्तोगी है। मैं अरुणाचल प्रदेश के सियांग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात करीब 4 साल पहले की है। तब मैं सियांग में ही एक फैक्ट्री में काम करता था, तो फैक्ट्री से वापस घर लौटने में मुझे देर रात हो जाया करती थी। तो ऐसे ही एक रात मैं फैक्ट्री से घर लौट रहा था। उस वक्त
रात के 11:15 बज रहे थे। मैं साइकिल चलाता हुआ मेरे घर जा रहा था। उस रात मैं बहुत ही गुस्से में था और मैंने नशा भी कर रखा था। दरअसल उसी दिन मेरी फैक्ट्री में एक दूसरे वर्कर से काफी लड़ाई हो गई थी। बात हाथापाई तक पहुंच गई थी, लेकिन बाकी वर्कर्स के बीच बचाव करने की वजह से मैं उसे ठीक से मार भी नहीं पाया था और उसी बात का मुझे बहुत गुस्सा था। खैर, उस रात रास्ता बिल्कुल खाली था तो साइकिल पर पैडल मारता हुआ मैं हवा से बातें करता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी मैंने एक आदमी को रास्ते के बीचों बीच चलता हुआ देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को धक्का दे दिया और गुस्से से बोला कि कमीने, रास्ता तेरे बाप का है जो बीच रास्ते पर यूं ही चल रहा है। मैं इतना बोला ही था कि तभी वो आदमी मेरी तरफ पलटा और तब पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा और यकीन मानो मेरा सारा नशा एक पल में ही उतर गया। दरअसल उस आदमी का कोई चेहरा ही नहीं था, उसका मुंह पूरा सपाट था और उस आदमी से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, जैसे कि किसी मुर्दे से आती है। मैं बहुत डर गया और वापस भागने लगा, लेकिन तभी अचानक वो मुर्दा मेरे सामने आ गया और एक झटके से उस मुर्दे ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे उठाकर ऊपर हवा में टांग दिया। मैं जोरों से चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन तभी उस मुर्दे ने मुझे जमीन पर पटक दिया और वो मुर्दा मेरे सीने पर चढ़कर बैठ गया और मेरा गला दबाने लगा। साथ ही वो बहुत ही भयानक आवाज निकाल रहा था। मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि अब मैं नहीं बचूंगा। मैं मन ही मन भगवान से मेरी जान बचाने की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन तभी उस मुर्दे ने मेरी गर्दन मरोड़ दी और मेरी मरल तौल चीख निकल गई। मैं बुरी तरह से झटपटाने लगा और रोने बिलखने लगा और तभी वो मुर्दा मुझे घसीटता हुआ अपने साथ कहीं ले जाने लगा। उस वक्त मेरी क्या हालत थी आप समझ सकते हैं। मैं बस मेरी मौत के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी मुझे एक कार रास्ते पर आती दिखी और जैसे ही वो कार मेरे करीब आई तो अचानक वो मुर्दा गायब हो गया। उस वक्त डर के मारे मैं बुरी तरह से कांप रहा था। मेरी हालत देखकर कार ड्राइवर ने मुझे कार में बिठाया और रास्ते में मुझसे मेरे घर का पता लेकर उस नेक दिल बंदे ने मुझे मेरे घर पर छोड़ा। जब मैंने उस कार ड्राइवर को मेरे साथ हुआ पूरा वाक्य बताया तो उस कार ड्राइवर के भी रोंगटे खड़े हो गए। खैर, फिर कभी दोबारा मेरा उस मुर्दे से सामना तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी उस घटना को याद करके मेरा दिल दहल जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम रक्तिम रॉय बर्मान है। मैं झारखंड के हजारीबाग जिले का रहने वाला हूँ। ये बात तब की है जब मैंने हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में ही एक घर किराए पर लिया था। दरअसल वो घर मेरे शॉप से काफी नजदीक था, इसीलिए मैंने वो घर किराए पर ले लिया था। पहली ही रात जब मैं मेरी शॉप से उस घर में गया तो वहां मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। हालांकि मैं उस घर पे अकेला ही था, पर मुझे वहां ऐसा लग रहा था जैसे कि इस घर में कोई और भी मेरे साथ है जो कि मुझे देख रहा है। मगर मुझे लगा कि शायद नए घर पे नई जगह पर होने की वजह से मुझे ये सब महसूस हो रहा है, इसीलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस रात तो सब कुछ नॉर्मल ही रहा, मगर अगली रात जब मैं उस घर पर सो रहा था तो सोते हुए मुझे कमरे के बाहर से एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई दी। वो सुनके मेरी झट से आंख खुल गए। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठा और कमरे से बाहर जाकर देखने लगा वो आवाज किसकी है, मगर बाहर तो कोई भी नहीं था। लेकिन फिर वो आवाज किसकी थी मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं वापस कमरे की तरफ पलटा और कमरे के अंदर जाने लगा, मगर तभी मुझे मेरे पीछे से एक बहुत ही डरावनी गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वो सुनके मैं जोर से चीख पड़ा और मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि एक औरत बाहर दीवार पर उल्टी लटकी हुई थी
दिखने में वो बहुत ही भयानक थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें खून की तरह लाल थी, और वो चुड़ैल गुस्से से मुझे ही घूर रही थी और किसी जानवर की तरह गुर्रा रही थी। वो देख के मैं बहुत डर गया और मैं वही बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं उस घर के बाहर झाड़ियों में बेसुध पड़ा हुआ था। मैं वहां तक कैसे पहुंचा मुझे कुछ याद नहीं था। होश में आते ही मैं जल्दी से उठा और भागकर अपने घर चला गया जहां पर मेरी फैमिली रहती थी। उस दिन के बाद से फिर कभी मैं उस घर में नहीं गया। बाद में मुझे पता चला कि बहुत साल पहले उस घर में एक औरत की जलकर मौत हो गई थी और तभी से उसकी आत्मा उस घर में भटकती है और लोगों को परेशान करती है। खैर, मेरी जान बच गई, मुझे इसी बात की तसल्ली है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम राकेश रस्तोगी है, मैं झारखंड के एक छोटे से जिले में रहता हूँ। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात करीब 3 साल पहले की है। मैं देर रात ऑफिस से घर आ रहा था। उस वक्त तकरीबन 10:30 बजे का टाइम हो रहा था। मैं बाइक से था और मेरा एक दोस्त मेरे पीछे बाइक पर बैठा हुआ था। हम दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद मेरे दोस्त का घर आ गया तो उसे उसके घर पर छोड़कर मैं आगे बढ़ गया। उस वक्त रास्ता बिल्कुल खाली था। दोस्त के घर से निकलने के बाद मैंने तकरीबन 5 मिनट का रास्ता पार किया होगा। तभी मुझे रास्ते पर एक आदमी दिखा जो कि रास्ते के बीच में बैठा हुआ था। वो देख के मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसके बगल से आगे निकल गया। लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही मेरी बाइक अचानक ही बंद पड़ गई। मैंने बाइक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की मगर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। रास्ते पर बिल्कुल अंधेरा था। मैं बाइक से नीचे उतरा और बाइक को ढकेलता हुआ आगे बढ़ने लगा, मगर थोड़ा आगे जाते ही मुझे रास्ते में कोई चीज दिखाई दी, मगर अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं उसके थोड़ा और करीब गया तो मैंने देखा वो वही आदमी था जो अभी कुछ देर पहले मुझे दिखा था। मगर इतनी जल्दी ये वहां से यहां कैसे आ गया? मैं बहुत घबरा गया। उस आदमी ने अपना चेहरा नीचे झुका रखा था, इसीलिए मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं हिम्मत करके बाइक को ढकेलता हुआ उस आदमी के बगल से आगे निकलने लगा। लेकिन तभी उस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और तब उसका भयानक चेहरा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी का चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हुआ था और पूरा चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें खून के जैसी लाल थी। वो देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई प्रेत है। मैं बाइक को वही छोड़ तेजी से रास्ते पर भागने लगा। भागते हुए मैंने देखा वो प्रेत भी मेरे पीछे भागता हुआ आ रहा था और पीछे से बहुत ही डरावनी आवाजें निकाल रहा था। मैं बहुत डर गया और मन ही मन हनुमान जी का नाम लेने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। फिर कई देर रास्ते पर लगातार दौड़ने के बाद मैं हांफते हुए मेरे घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने पीछे रास्ते की तरफ देखा तो अब वो प्रेत मेरे पीछे नहीं था। शायद हनुमान जी ने उसे वहां से भगा दिया था। जब घर के लोगों ने मुझे इस तरह हांफता हुआ देखा तो सबने पूछा कि तुम इतना हांफ क्यों रहे हो और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। तो मैंने घर वालों को सारी आपबीती बताई। सारी बातें सुनकर घर वाले भी सकते में आ गए। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अभिलाष गायकवाड़ है, मैं राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला हूँ। ये मेरे और मेरे दोस्त हितेंद्र के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात करीब 4 साल पहले की है। मैं और मेरा दोस्त हितेंद्र हमारे कॉलेज के दोस्त मनोहर के घर पार्टी पर गए हुए थे। पार्टी पर हमारे कॉलेज के काफी सारे दोस्त और टीचर भी आए हुए थे। हमने पार्टी में बहुत मजा किया। पार्टी देर रात तक चली और फिर पार्टी खत्म होने के बाद मैं और हितेंद्र वापस अपने घर के लिए लौटने लगे। मगर हमारे दोस्त मनोहर ने कहा कि
रात काफी हो गई है, तुम लोग कल चले जाना। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि कल मुझे एक जरूरी काम है, तो मुझे सुबह ही रेडी होकर निकलना होगा, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मेरी बात सुनकर मनोहर भी मान गया और हम दोनों, यानी कि मैं और मेरा दोस्त हितेंद्र, मेरी बाइक से वापस घर लौटने लगे। दरअसल हितेंद्र का घर मेरे घर के ठीक सामने ही था, इसीलिए मैं और हितेंद्र एक ही बाइक पर हमारे दोस्त मनोहर के घर पार्टी पर चले गए थे। लौटते हुए मैं बाइक चला रहा था और हितेंद्र मेरी बाइक के पीछे बैठा था। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे और इतनी रात गए रास्ता पूरा खाली हो चुका था, इसीलिए बाइक को तेजी से भगाते हुए आधे घंटे में ही हमने आधा रास्ता पार कर लिया था। और हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते पर मैंने एक औरत को जाते हुए देखा। वो औरत बहुत ही अजीब थी, उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो औरत रास्ते पर बहुत ही अजीब ढंग से चल रही थी और तभी वो रास्ते के किनारे एक पेड़ पर चढ़ने लगी। वो देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। तभी बाइक पर मेरे पीछे बैठा हितेंद्र जोर से चिल्लाया, भाई जल्दी भाग यहां से, ये औरत इंसान नहीं चुड़ैल है, क्योंकि इसके पैर उल्टे हैं। हितेंद्र की बात सुनकर मेरी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। और तभी वो चुड़ैल उस पेड़ की एक मोटी टहनी पर जाकर उल्टी लटक गई और हमें देखकर जोर जोर से हंसने लगी। वो देखकर मेरे और हितेंद्र के पसीने छूट गए और हम फौरन वहां से अपनी जान बचाकर भागे। कुछ ही मिनटों में हम घर पहुंच गए। घर पर उस चुड़ैल के बारे में सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा था। उस रात घर पर भी मैं अकेला ही था क्योंकि मम्मी पापा एक फंक्शन में गए हुए थे। मैं इस बात को लेकर बहुत डरा हुआ था कि कहीं वो चुड़ैल मेरे घर पर ना आ जाए, और यही देखने के लिए मैं खिड़की से घर के बाहर देखने लगा। और तब रास्ते में मुझे वही चुड़ैल दिखाई दी जो तेजी से चलकर हितेंद्र के घर की तरफ जा रही थी। वो देखकर मैं बहुत डर गया और जल्दी से खिड़की बंद करके वापस अपने कमरे में आ गया। फिर मैंने हितेंद्र को फोन लगाया मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था और फिर सुबह होने तक मैं डरा सहमा अपने बेड पर ही बैठा रहा। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह हुई तो मैं हितेंद्र से मिलने के लिए उसके घर गया तो मुझे पता चला कि हितेंद्र की रात में सोते हुए अपने कमरे में ही मौत हो गई है। वो खबर मिलते ही यकीन मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पहला तो ये कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त की मौत हो गई थी और दूसरा कि शायद अब उस चुड़ैल का अगला शिकार मैं ही था। मैं बहुत डर गया लेकिन फिर कभी भी मुझे वो चुड़ैल दिखाई नहीं दी। पता नहीं उस चुड़ैल ने मेरे दोस्त को क्यों मारा। ये रहस्य मेरे दोस्त की मौत के साथ ही दफन हो चुका है। तो दोस्तों ये थी मेरे और मेरे दोस्त हितेंद्र के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम शाश्वत रंजन है, मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का रहने वाला हूँ। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था। दरअसल एक दिन देर रात करीब 11:30 बजे मैं, मेरा कजन भाई और मेरी बहन एक फंक्शन अटेंड करने गए हुए थे। वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और हमारे कुछ खास दोस्त भी वहां पर मौजूद थे। हम सब वहां बहुत इंजॉय कर रहे थे। तभी मेरे फोन पर डैड का कॉल आया। मैंने फोन उठाया तो डैड ने बताया कि हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, शायद वर्कर्स की आपस में लड़ाई हो गई है, तो तुम जाकर उनके बीच सुलह करवाओ और काम चालू करवाओ। डैड की बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं साइट के लिए निकल रहा हूँ। फिर मैंने मेरे कजन भाई को फंक्शन खत्म होने पर मेरी बहन को घर छोड़ने को कहा और मैं बाइक से साइट के लिए निकला। वहां से मेरी कंस्ट्रक्शन साइट करीब 10 किलोमीटर दूर थी तो मुझे करीब करीब 15 से 20 मिनट लगने वाले थे। फिर 10 मिनट में मैं हाईवे से उतरकर साइट की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर पहुंच चुका था। अब आगे का रास्ता काफी सुनसान होने वाला था क्योंकि मेरी साइट शहर और हाईवे से दूर
जंगल के बीच में थी। खैर, मेरा तो वहां तकरीबन रोज का आना जाना था, इसीलिए मैं बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं एक गलत रास्ते पर था। दरअसल हाईवे के बगल से ठीक एक ही जगह पर दो रास्ते निकलते थे और जल्दबाजी में मैं गलत रास्ते पर आ गया था, तो देर न करते हुए वापस जाने के लिए मैं बाइक को मोड़ने लगा। और पूरी तरह से बाइक को वापस लेने के बाद मैं जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, ठीक तभी मुझे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई थी। वो आवाज पीछे से आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई गरज रहा हो और बहुत गुस्से में हो। उस भयानक आवाज को सुनकर एक पल के लिए तो मानो मेरा शरीर बर्फ की तरह जम सा गया था। और उसके बाद हिम्मत करके मैंने पीछे की ओर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन अब वहां एक पल भी और रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए मैं तुरंत बाइक स्टार्ट करने लगा। मगर मुसीबत तो तब खड़ी हो गई जब मेरी बाइक ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। दरअसल कई कोशिशों के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। और इसी बीच मेरी नजर पास की झाड़ियों की तरफ गई। वहां पर कोई खड़ा था, मगर अंधेरा होने की वजह से मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। मगर उसकी दो लाल आंखें बहुत ही तेज चमक रही थी, मानो मैं उन आंखों की जगह दो धधकते लावे देख रहा था। और ठीक तभी वो गुर्राने की आवाज मुझे एक बार फिर से सुनाई दी। वो आवाज उन्हीं झाड़ियों की तरफ से आ रही थी जहां पर वो लाल आंखों वाला जीव खड़ा था। सच में वो कोई भूत प्रेत था। मैं बहुत डर गया और पैदल ही भागने लगा। भागते हुए मैंने देखा वो दैत्यकार जीव भी मेरे पीछे भागता हुआ आ रहा था। वो काफी लंबा और तगड़ा था और अपने दो पैरों पर उछलता हुआ किसी इंसान की तरह मेरा पीछा कर रहा था। उसके दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके हाथों पर नाखून उंगलियों जितने लंबे और नुकीले थे। मतलब अपने एक वार में ही वो मुझे फाड़ कर रख देता। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था, लेकिन उसकी तुलना में मैं अब और नहीं भाग सकता था। वो लगभग मुझे पकड़ने ही वाला था कि तभी मैं हाईवे तक पहुंच गया। और हाईवे पर आती जाती गाड़ियों को देखकर वो दैत्यकार जीव एकदम से गायब हो गया और मैं बेसुध होकर रास्ते पर ही गिर पड़ा। फिर एक औरत ने मुझे अपनी कार में बिठाकर पास के ढाबे पर छोड़ा। ढाबे पर जब मुझे होश आया तो ढाबे वाले को मैंने अपने साथ घटी सारी आपबीती बताई। तब ढाबे वाले ने बताया कि भाई साहब, उस रास्ते पर एक बहुत ही भयानक शैतान का साया है। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी जो आपकी जान बच गई, वरना आज तक जिसका भी उस शैतान से सामना हुआ है वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। ढाबे वाले की बात सुनकर एक बार फिर उस शैतान का भयानक रूप मेरी आंखों के सामने आ गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों, ये थी शाश्वत रंजन जी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम दिनेश वर्मा है। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सब मेरे साथ कुछ साल पहले हुआ था। दरअसल पिछले 10 सालों से मैं शहर में रह रहा हूं। हालांकि मैं यूपी के गाजियाबाद जिले के सुराना गांव का रहने वाला हूं, लेकिन शहर में एक अच्छी नौकरी मिल जाने के बाद मैं अपने गांव को लगभग भूल ही चुका था। लेकिन पिछले साल 2020 में जब पूरे देश में लॉकडाउन हो गया तो मुझे भी बाकी लोगों की तरह अपनी जॉब गंवानी पड़ी और तब मुझे भी गांव वापस जाना ही ठीक लगा। मेरा गांव शहर से काफी दूर था, इसीलिए सिर्फ मुझे ट्रेन ही एक सस्ता विकल्प मालूम पड़ रहा था। ट्रेन की टिकट मिलते ही मैं अपना बैग लेके प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। थोड़ी देर में मेरी ट्रेन भी आ गई, मगर ट्रेन को देख के मेरा सर चकरा गया क्योंकि ट्रेन बुरी तरह से भरी हुई थी। और तो और, स्टेशन पर ना जाने कितने लोग उस ट्रेन में चढ़ने के लिए मौजूद थे। खैर, महामारी के इस दौर में मुझे कैसे भी करके अपने गांव पहुंचना था, तो जैसे तैसे मैं उस ट्रेन में चढ़ा और मैंने देखा कि वहां पहले से ही लोग भूसे की तरह भरे हुए थे।
तो किसी सीट के मिलने की उम्मीद करना मेरी नादानी ही थी। फिर जैसे तैसे धक्के खाता हुआ मैं अपने गांव पहुंचा। मेरे गांव से स्टेशन का सफर थोड़ी दूरी पर था और ये सफर जंगल से होते हुए जाता था। दूर से ही वो जंगल अंधेरे से भरा हुआ लग रहा था, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था और मच्छरों के बीच पूरी रात स्टेशन में गुजारना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं अपने डर को काबू करते हुए जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल में चारों तरफ गहरी खामोशी पसरी हुई थी। मैं अपने सांस लेने की आवाज और बढ़ती दिल की धड़कनों को साफ सुन पा रहा था। मैं जब जब अपना अगला कदम बढ़ाता मेरे पैरों के नीचे की सूखी लकड़ी और पत्ते की चटकने की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती। धीरे धीरे रात भी गहरी होती जा रही थी और चारों तरफ से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। और ठीक तभी मुझे जोर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई दर्द के मारे कराह रहा हो। मैं देर ना करते हुए उस आवाज का पीछा करने लगा और फिर जो मेरे सामने आया वो सच में दिल दहला देने वाला था। मैंने देखा एक आदमी बहुत ही बुरी हालत में खून से लथपथ पड़ा था और एक इंसान जैसा दिखने वाला आधा इंसान और आधा भेड़िए जैसा अजीबोगरीब जीव उस आदमी के मांस को अपने बड़े नुकीले पंजों से नोच नोच कर खा रहा था। उसके हाथों के पंजे उंगलियों जितने बड़े और नुकीले थे। यहां तक कि उसका सर भी किसी आम भेड़िए के सर से काफी बड़ा था और ठीक भेड़िए की तरह ही उसके शरीर पर भी बड़े बड़े बाल थे। उस मानव भेड़िए ने उस आदमी की लाश के चिथड़े चिथड़े कर दिए थे। वो भयानक मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। वहां से भागने के लिए मैं जैसे ही पीछे मुड़ा कि तभी एक सूखी लकड़ी पर मेरा पैर पड़ा, जिसकी वजह से काफी तेज आवाज हुई और उस मानव भेड़िए की नजर मुझ पर पड़ी। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। मुझे देखते ही वो पूरी तरह से अपने दो पैरों पर खड़ा हो गया और तेजी से भागता हुआ मेरी तरफ आने लगा। तभी मैं अपनी पूरी जान लगाकर भागा। भागते भागते एक जगह मेरा पैर फिसला और मैं गहरी खाई में जा गिरा। वहां मेरी जैसी कई लाशें पड़ी थी, या यूं कहूं कि लाशों का पूरा ढेर लगा हुआ था। बस फर्क इतना था कि उन लाशों के बीच मैं एक जिंदा इंसान था। मैं वहां से उठकर भागने ही वाला था कि तभी मुझे भेड़िए के गुर्राने की आवाज सुनाई थी। भेड़िए द्वारा मारे गए उन लाशों के बीच मैं खुद को भी मरा हुआ समझने लगा था, क्योंकि अब भेड़िए के कदमों की आवाज ठीक मेरे बगल से आ रही थी। अपने एक वार में ही वो मुझे फाड़ कर रख सकता था। मैंने अपनी सांसें रोक ली और मरने का दिखावा करने लगा। मुझे पता है मेरा ये तरीका कितना बचकाना था, मगर मैं और कर भी क्या सकता था। वो भेड़िया मुझे ढूंढता हुआ आगे निकल गया और उसके जाते ही मैं दोबारा भागने लगा। भागते हुए अब मैं जंगल से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी पता नहीं कहां से वो मानव भेड़िया मेरे सामने आ गया। इस बार वो भेड़िया ठीक मेरे सामने खड़ा था, तो बचने की उम्मीद ना के बराबर हो गई थी। मैं जोर जोर से रोने लगा और भगवान को याद करने लगा, मगर तभी उस मानव भेड़िया ने मुझ पर हमला कर दिया। उसके पंजे के एक ही वार ने मेरे हाथ को चीर फाड़ डाला। मेरी मरड़तौल चीखे पूरे जंगल में गूंज उठे। इसी बीच किसी तरह मैं वहां से भागा। वो भेड़िया भी मेरे पीछे भागता हुआ आ रहा था। मैं अब गांव के बेहद करीब था, इसीलिए मैं और तेजी से चीखने चिल्लाने लगा। तभी मुझे लोगों का शोर सुनाई दिया और थोड़ी ही देर में सैकड़ों गांव वाले हाथों में डंडे और जलती मसाले लिए मेरे पास पहुंच गए। इतने लोगों को एक साथ आता हुआ देखकर वो मानव भेड़िया जंगल में वापस चला गया। गांव वाले जल्दी से मुझे गांव ले गए और जब मैं इस सदमे से उभरा तब मैंने गांव वालों को पूरी आपबीती बताई। तब गांव के ही एक आदमी ने बताया कि पिछले कई महीनों से वो मानव भेड़िया गांव के लोगों का शिकार कर रहा है। दोस्तों, हम लोगों ने
उसे बहुत पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आता है, और जिसका भी उससे सामना हो जाता है उसकी मौत दिल दहला देने वाली होती है। खैर, कुछ ही महीनों में मैं गांव से वापस शहर लौट आया और अब मैं कभी वापस गांव जाना नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।